हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जानेंगे कार का थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग क्यों ज़रूरी होता है। इस वीडियो में दो तरह के थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग आपको बताएंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिए। इसमें आपको जानकारी मिलेगा थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग ज़रूरी क्यों है। एक तो आप इस प्रोसेस में थ्रॉटल बॉडी को क्लीन कर सकते हैं। थ्रॉटल बॉडी क्लीनर को आप स्प्रे करके पूरा थ्रॉटल बॉडी को खोलने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। और दूसरा, आपको थ्रॉटल बॉडी पूरा क्लीनिंग करके लेना पड़ता है। ये वाला प्रोसेस आपको तभी काम करेगा जब आप अपने थ्रॉटल बॉडी को टाइम टू टाइम क्लीनिंग करते हैं। और अगला प्रोसेस जो है, उसमें अगर आपका थ्रॉटल बॉडी कभी क्लीनिंग हुआ ही नहीं है, आपको मालूम नहीं है थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग क्या होता है, उस प्रोसेस में आपको थ्रॉटल बॉडी को पूरा खोल के आपका थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग करना पड़ता है। थ्रॉटल बॉडी का अगर इसमें कार्बन डिपॉजिट हो जाता है, उसमें क्या होगा, आपका गाड़ी का माइलेज, पिकअप सारा कम हो जाएगा, वो परफॉर्मेंस चला के नहीं आएगा। सेकेंड, ए वाला प्रोसेस में आपको थ्रॉटल बॉडी परफेक्ट क्लीनिंग इसमें होता है। ये आपको एग्जॉस्ट पाइप को खोल लेना पड़ता है, इसमें से इसको खोल के आप इसको थ्रॉटल बॉडी निकाल के पूरा थ्रॉटल बॉडी को आप क्लीन कर सकते हैं। बहुत सारा वीडियो में आपको पहला वाला प्रोसेस ये आप देखने को मिलता है, थ्रॉटल बॉडी क्लीनर को लेके स्प्रे करके थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग होता है। उससे आपका थ्रॉटल बॉडी क्लीन होता है, पर पूरी तरह से नहीं। अब मैं जो क्लीनिंग आपको बताऊँगा इस वीडियो में, इस तरीके से आप थ्रॉटल बॉडी को 100% प्रॉपर क्लीनिंग कर सकते हैं। इसमें आपका थ्रॉटल बॉडी का क्लीनिंग के बाद आपका परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगा। आपको इसके लिए आपको एक्सेलेटर केबल, थ्रॉटल बॉडी का इसमें 4 नट लगा रहता है, बोल्ट इसे आप खोल लें, उसके बाद आपका थ्रॉटल बॉडी आप क्लीनिंग कर सकते हैं। आइए वीडियो को देखते हैं किस तरीके से पूरा क्लीन होता है। प्रोसेसिंग को आप भी अच्छे से देखें। ज़्यादातर आप इसे टेक्नीशियन से कराएं, खुद ना करें घर पे, क्योंकि थ्रॉटल बॉडी को अगर आप रफली उसको क्लीन करेंगे तो उससे आपका थ्रॉटल बॉडी ख़राब भी हो सकता है। पहला वाला प्रोसेस आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पहला वाला प्रोसेस में आप जब उसको स्प्रे करेंगे थ्रॉटल बॉडी स्प्रे, उसमें आपको थ्रॉटल बॉडी का एक्सेलेटर का जो सेंसर है वो हमेशा को ध्यान से उसको एक्सेलेट करना पड़ेगा। एक्सेलेटर ज़्यादा आप करेंगे तो आपका थ्रॉटल बॉडी चौक हो सकता है, उसमें आपका थ्रॉटल बॉडी बाद में एडजस्टेबल नहीं आएगा, वो सेंसर आपका थ्रॉटल बॉडी को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका निगेटिव टर्मिनल हमेशा आप थ्रॉटल बॉडी सेंसर जब खोले नेगेटिव टर्मिनल को आप खोल लें। कभी भी आपका गाड़ी का कोई भी सेंसर आपको अगर कपलर खोलना है, अब अपने गाड़ी का नेगेटिव टर्मिनल को ज़रूर खोल लें, वरना आपका सेंसर में प्रॉब्लम आ सकता है। इसी हम उसको रिजेक्टेबल बताएगा आप सेंसर को खोलने के बाद, तो ये ध्यान जरूर रखें आप। अभी आप उसे अच्छे तरीके से खोलने का टाइम आप ध्यान रखें, एकदम अच्छे तरीके से खोलें, वरना आपका नट अगर एक बार स्लिप हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। घर पे आप यदि इसे करना चाहते हैं तो एकदम ध्यान से इसको करें, जितना हो सके आप उस टेक्नीशियन का मदद लें। या आपको घर में ही करना है तो उसको जहाँ आप जो सामान पहले खोल रहे हैं उसे आप अच्छे तरीके से देख लें, और उसके बाद आप उसे खोलें। और फिटिंग के टाइम सेम उस प्रोसेस में आपको सारा सामान को फिटिंग करना है। लेकिन थ्रॉटल बॉडी खुल गया, इसमें देखिए कितना कचरा भरा हुआ, उस पर कार्बन डिपॉजिट हो चुका है इसमें थ्रॉटल बॉडी में। आपको पहला वाला प्रोसेस में इस तरीके से थ्रॉटल बॉडी कार्बन अंदर का साइड कभी क्लीन नहीं होगा,
अब स्प्रे आप करके बाहर साइड ही क्लीन होगा, उसमें आपका टॉयलेट बेड का वन साइड क्लीन होता है। इसमें आप देखिए धीरे धीरे ब्रश को ले, टूथब्रश, इसको आप थोड़ा पेट्रोल ले लें, पर टॉयलेट बॉडी क्लीनर भी आप यूज़ कर सकते हैं। आज मेरे पास टॉयलेट बॉडी क्लीनर अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने पेट्रोल ले लिया। पेट्रोल से उसको धीरे धीरे से आप उसे रगड़ लें, जितने हो सके आप आराम से काम करें। थोड़ा थोड़ा पेट्रोल आप उसमें डाल के उसे धीरे धीरे से उसे साफ कर लें ध्यान से। वो थोड़ा जो है बीच में जो लगा होता है उसको आप डैमेज ना करें, आप धीरे धीरे से उसे सफा करते रहें। देखिए कितना इसमें से कार्बन निकल रहा है, इतना कार्बन अब अगर डिपॉजिट इससे भी ज़्यादा हो जाता है, इसमें तो कम है, जितना कार्बन इसमें डिपॉजिट हो जाएगा उसका एयर का फ्लो ठीक से अंदर नहीं जाएगा। आप इतना एक्सेलरेट करेंगे उसमें आपका ज़्यादा फ्यूल इंजेक्ट होना स्टार्ट होगा, ऑक्सीजन आपका कम जाएगा, एयर फ्लो कम हो जाएगा, इसका वजह से आपका माइलेज पिकअप का चलाने का परफॉर्मेंस घट जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए। आप कभी डीलर में जाते हैं तो डीलर वाला भी आपको कभी कभी साजेस्ट करते हैं इसको क्लीनिंग के, तो उसमें आपका खर्चा बहुत आता है। तो आप को अगर जानकारी हो तो आप भी आराम से कर सकते हैं, या तो आपका लोकल कोई टेक्नीशियन है उसको भी आप बता के इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब भी इसे क्लीन करना है ध्यान से करें। और इसे क्लीनिंग के बाद देखिए पूरा साफ़ा हो चुका है। पहले इसको भी आप आराम से उसको ब्रश से थोड़ा पेट्रोल लेके उसको भी साफ कर लें लगाने का पहले, और उसे फिर जिसे हमने खोला था पहले उस तरीके से इसे भी खोल ले, खोल के उसको अच्छा से फिर फिटिंग करें। खोलने फिटिंग के टाइम आप ध्यान रखें, आपने जैसे जैसे खोला हुआ था सारा सामान उसे फिटिंग करें, ज़्यादा ओवर टाइट भी ना करें और लूज भी ना। देखिए उस तरीके से आप उसको फिटिंग करके कभी भी इसको फिटिंग करना है, फिटिंग के टाइम आप अपना पूरा ध्यान रखें इसे, आपका गाड़ी का यही मेन है, उसका वजह से आपका माइलेज पिकअप सारा चलता है। देखिए पूरा मैंने फिटिंग कर दिया, अब इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आप मेरे वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।